सभी के साथ शिवांगी अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल सेगमेंट आपकी सेहत आपकी पूंजी में। हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। अब इसको लेकर के भारत सजग हो गया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि भारत में इसका प्रभाव नहीं देखा गया है। इस म्यूटेशन से बीमारी गंभीर नहीं हुई है, साथ ही मृत्यु दर भी प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में दहशत है। इससे पहले से ज्यादा घातक बताया जा रहा है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को बताया कि इस म्यूटेशन से बीमारी गंभीर नहीं हुई है और इसका मृत्यु दर पर असर नहीं हुआ है। यूके में कोरोना वायरस के नए रूप पर उन्होंने कहा कि इस म्यूटेशन से कोरोना वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी 70% तक बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे देशों में परेशानी बढ़ रही है। यूरोप में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया है। इस तरह हम अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर बताया कि पिछले 24 घंटे में केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 57% नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही कहा कि भारत में सितंबर महीने के मध्य से अब तक लगातार मामलों की संख्या में कमी आ रही है। अब इस नए स्ट्रेन की वजह से भारत में तो अब तक कोई भी खतरा नहीं पड़ा है, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, हम फिर कल मिलेंगे एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहें एचडी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।